कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने, बोलते आईने में आप सब नाजरीन का बहुत बहुत स्वागत और खैर मकदम है। पूछो ना यारों के ये जवानी कैसे गुजर गई, सूरज की धूप थी कीचड़ी और उतर गई। बोलते आईने की वेरी वेरी स्पेशल एपिसोड बहुत खास मेहमान के साथ आज हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। और इससे पेशतर मैं आगे बढ़ू, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि बोलते आईने के यूट्यूब चैनल को इसी वक्त आप सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि टाइम टू टाइम आपको हर फ्राइडे को जो भी हमारे मुनक्कद होते हैं प्रोग्राम, यहाँ पर म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर से बड़ी बड़ी हस्तियां आती हैं, उन तमाम की वीडियोस एपिसोड्स आपको डायरेक्ट पहुंच जाए करेंगे। जितने भी ये प्रोग्राम होते हैं, हिंदुस्तान की हम मुश्तरका तहजीब, गंगा जमनी तहजीब, हमारी विरासत, हमारी हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज, इसको बढ़ावा देने के लिए जो कि 5,000 साल की है, उससे मुतालिक जितने भी हैं टॉपिक्स, उनवान, मौजू, उनको हम रैलिश और सेलिब्रेट करते हैं। सो दिस इज अ सेलिब्रेशन और जश्न है। आज की इस स्पेशल एपिसोड में जिस तरीके से मैंने अभी आपको इशारा दिया कि बहुत ही खास मेहमान हैं, जाने माने म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं, राइटर हैं और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रमोट करने में जिनका एक बहुत ही बड़ा रोल है पूरे हिंदुस्तान में, कई शिष्य शिष्याएं आपने पैदा करे हैं, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, कॉलेज, एनजीओ, सब जगह आपका रोल रहा है कि कल्चरल एक्टिविटीज में खासकर म्यूजिक, डांस, थिएटर से रिलेटेड जितनी भी हैं उन तमाम शोबों को आपने टच करा है और तकरीबन 45 साल से मुसलसल देश की सेवा कर रहे हैं। एक से एक कलाकार आपसे निकले, एक प्रतिष्ठित फैमिली से जो कि म्यूजिकल फैमिली है, 300 साल की जिसकी लेगेसी है बनारस की, और आपके पिताश्री जो कि पंडित गामा महाराज जी बहुत सेलिब्रेटेड तबले के प्लेयर रहे हैं, उस विरासत को आगे बढ़ाते हुए और आपके परिवार में ही आपके दूसरे जो जन हैं, भाई वगैरह तमाम हम देखते हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहा है हिंदुस्तान की कल्चरल सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, पंडित विजय शंकर मिश्र। पंडित विजय शंकर मिश्र जी बहुत बहुत स्वागत है तमाम नाजरीन की तरफ से, बोलते आने की तरफ आज शो में, और आज विशेषकर क्योंकि हम हर वक्त कोई ना कोई ऐसा आर्टिस्ट लाते हैं जो गाना गा रहा है, जो कोई किसी सास पे बजा रहा है या डांस कर रहा है या वाइस चांसलर साहब को भी बुलाते हैं वगैरह, लेकिन आज की जो ऐसी एपिसोड है इन तमाम चीजों का जो भी हम सेलिब्रेशन करते हैं उसका जस्ट है, और जिसका मतलब है एक बात को समझना कि सांस्कृतिक गतिविधियां जो हैं, कल्चरल एक्टिविटीज जो हैं, इनका रोल जो है हमारी होलिस्टिक पर्सनालिटी को या संपूर्ण व्यक्तित्व को बढ़ाने में, फरोग देने में बहुत ही आवश्यक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पंडित विजय शंकर मिश्र साहब, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा और सबसे पहला आपसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि कुछ प्रकाश डालिए, रोशनी डालिए कि जो रोल ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज जो है, सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, ये पूरे मानव को किस तरीके से आगे पूर्ण तरीके से बढ़ाती हैं और जिस तरीके से हमारा ये टाइम बीतता जाएगा इसी के इर्द गिर्द हम कई सवालात हम देखेंगे। तो सबसे पहले मोटे मोटे शब्दों में आप प्लीज बताइएगा हमारे बोलते आने के तमाम जितने दर्शक हैं उनको कि रोल ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज इन प्रमोशन ऑफ होलिस्टिक पर्सनैलिटी। जी पंडित जी, जी शुक्रिया डेविड साहब जी सर, और आपने इतने बड़े 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 लोगों के बीच मुझ जैसे अदना आदमी को भी याद किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। और ये आपकी मोहब्बत है जो आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और कुछ नहीं है, आपने
जब मेरा परिचय देना शुरू किया था तो मैं सोच रहा था कि सामने मैं बैठा हूँ, परिचय किसी और का दिया जा रहा है क्या, क्योंकि इतने सम्मानित शब्द आपने कहे। कल्चर शब्द जो है हमारी सांस्कृतिक जो वैभव है उसकी तरफ इशारा करता है, संस्कृति। और मैं ये मानता हूं कि जैसे कि हमारे यहाँ कहा जाता रहा है कि विश्व गुरु है भारत, तो अगर भारतीयता की गुरुता को देखना है तो हमारे कल्चर को ही देखना हो। दुनिया के हर जगह के, मैं हर देश का सम्मान करता हूँ, हर धरती का सम्मान करता हूँ, वहां के आर्ट कल्चर का सम्मान करता हूँ, लेकिन भारतीय कल्चर ने अपना लोहा सब जगह मनवाया है। मैं अगर जॉर्ज हैरिसन की बात करूं, जिनके साथ बजा बजा कर हमारे पंडित रविशंकर की बहुत लोकप्रिय हो गए विदेशों में, ऐसा माना जाता है। लेकिन जब जॉर्ज हैरिसन ने रविशंकर जी के साथ बजाना शुरू किया और तब उन्हें हमारे कल्चर की गहराई का पता लगा और वे रविशंकर जी के साथ डुएट बजाते बजाते उनके शागिर्द बन गए, और ऐसे शागिर्द बने कि जब वो रविशंकर जी से सीखते थे तो भारतीय संस्कृति के अनुसार, भारतीय परंपरा के अनुसार पंडित रविशंकर खुद ऊंचे आसन पर बैठते थे, जॉर्ज हैरिसन नीचे बैठते थे और उनका चरण स्पर्श करके फिर सीखना और बजाना शुरू करते थे। अच्छा। लॉर्ड एहूदी मेनहुई, जिन्हें भारत रत्न पंडित रविशंकर अपना बड़ा भाई मानते थे और उनके साथ बजाकर उन्होंने विदेशों में बहुत सारे पुरस्कार जीते, उन्होंने उस्ताद अली अकबर खान साहब के लिए कहा कि दुनिया का सबसे महान संगीतज्ञ उस्ताद अली अकबर खान। वाह वाह। और यही दिल्ली में एक बार कल्चरल प्रोग्राम हुआ था ईस्ट एंड वेस्ट ऐसे करके, और उसमें उस्ताद अमीर खान साहब आए थे, लॉर्ड एहूदी मेनहुई आए थे और प्रोफेसर बी आर देवधर भी उसमें थे। तो उसमें उस्ताद अमीर खान साहब ने कहा, देवधर इधर आओ, देवधर जी उसमें प्रेसराइट कर रहे थे उस कार्यक्रम का, इधर आओ। तो वो आए तो जी उस्ताद, तो उन्होंने कहा मैं हिंदी में जो बोलूंगा उसको तुम अंग्रेजी में इन अंग्रेजों को समझाओ और मेरी गायकी। और फिर उन्होंने जो बोला और वहां जाके यहूदी मेनुइन जी ने उन्हें जो लेटर भेजा विदेश में जाकर कि ऐसा संगीत मैंने आज तक नहीं सुना। अच्छा। लेकिन अमीर उस्ताद अमीर खान साहब ने उस चिट्ठी का क्या किया आपको पता है? अपने अलमीरा में, जो अलमीरा के नीचे हम लोग अखबार बिछाते हैं और अखबार बिछा के उसके ऊपर हम लोग किताबें वगैरह रखते हैं, जी जी, उन अखबारों के बीच दबा कर रखा और चिट्ठी अंग्रेजी में आई थी, तो अपने शागिर्दों से कहा कि पढ़ के बताओ क्या लिखा है इसमें, इसका अर्थ क्या हुआ। तो शागिर्दों ने पढ़ कर बताया कि उस्ताद साहब इसमें ऐसा ऐसा लिखा है, तो उसको अखबार के अंदर रखवा दिया और बोला कमबख्तों किसी को बताना मत इस चिट्ठी के विषय में। तब उन्होंने पूछा कि ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो पता लगना चाहिए लोगों को। कह नहीं बेटा, ये सारी चिट्ठियां दिमाग खराब करने के काम आती है, इनको अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा कि हम इतने महान हो गए, तो हमको झुक के ही रहना है। आज देखिए, मैं अभी एक डेढ़ महीने पहले की बात कर रहा हूँ, चाइना और हिंदुस्तान का कितना इधर उधर चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं बॉर्डर पर कितना चल रहा है। हमारे एक मित्र हैं देवेंद्र शुक्ल, यहाँ भारतीय संस्कृति के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं, और बहुत पुरानी पत्रिका सरस्वती जो बंद हो गई थी, जिसमें मुंशी प्रेमचंद वगैरह ने पहली बार लिखना शुरू किया था, तो उस पत्रिका को उन्होंने फिर से शुरू किया है इलाहाबाद से। तो देवेंद्र शुक्ल जी का चाइना से फोन आया कि यहाँ की एक लाइब्रेरी में आपकी किताब अंतर्नाद सुर और साज में देख रहा हूं और मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो ये जो सारी चीजें हैं कि हमारे राजनीतिक शत्रुता कटुता चाहे जितनी भी हो, लेकिन एक देश का संगीतकार दूसरे देश के संगीतकार से हमेशा प्रेम करता है, एक देश का संगीत दूसरे देश के संगीत से हमेशा जुड़ता रहता है, इसलिए मैं इसका बहुत ज्यादा महत्व मानता हूं। एक बात हम और बताते हैं जी, जीवन में क्या महत्व है। हमारे यहाँ
सोचा यह जाता है, अभी भी बहुत इस तरह की बातें हो रही हैं कोरोना काल में, क्योंकि सबसे ज्यादा उपेक्षित अगर कोई है तो संगीतकार, जिसके लिए कहीं से कुछ नहीं किया गया। लोग कहते हैं कि भाई जब पेट भरा रहेगा, सारी चीजें जब सॉल्व हो जाएंगी, सारी समस्याएं, तो बैठकर हम संगीत का आनंद उठाएंगे। संगीत तो तब के लिए है, अगर हम खुद संकट में जी रहे हैं तो हम संगीतकारों के ऊपर पैसा क्यों वेस्ट करें, क्यों खर्च करें। लेकिन आप देखिए, आप तो कार्यक्रम में जाते हैं, आयोजित करते हैं, आपने इतने बड़े बड़े फेस्टिवल आपने आयोजित किए हैं, ये आपको मैं समझा नहीं रहा हूं, केवल याद दिला रहा हूं। एक कलाकार बीच में बैठता है गाने के लिए, एक तरफ एक तबला वादक बैठता है, एक तरफ एक बखावज वादक बैठता है, एक तरफ सारंगी वादक बैठता है, एक तरफ कानपुरा वादक बैठता है, एक तरफ हारमोनियम वादक बैठता है, इतने सारे लोग होते हैं, बीच में एक गायक होता है, नेतृत्व वो करता है, निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ उसे होता है, लेकिन वो सबको साथ लेकर चलता है। फिर जब तबला वादक को बजाने का मौका मिलता है तो वो उसी रस की चीजें बजाता है जिस रस की निष्पत्ति गायक कर रहा होता है। तबला वादक ऐसा नहीं करता कि वो अपनी कोई चीज बजाने लगे ऐसे कि रस विध्वंस हो जाए वहां पर, या सारंगी वादक या हारमोनियम वादक उसी रस की परिपुष्टि करते हैं जो गायक कर रहा होता है। तो ये जो सबको साथ लेकर चलने की क्षमता है ना, ये संगीतकार में होती है। और मैं हमेशा कहता हूं कि संगीतकार जैसे मंच पर अपने साथी कलाकारों का ध्यान रखते हैं, घर में अपने मेंबर्स का रखने लगे, अड़ोसियों पड़ोसियों का रखने लगे, अपने ऑफिस में अपने मातहत लोगों का रखने लगे, तो ये सारी समस्याएं जो है ना, ये दूर हो जाए। ये तो अपने घर से अगर शुरू किया जाए तो ये हम राजनीत रूप में भी हम इसको लेकर चल सकते हैं, और कहीं से कोई कटुता नहीं रहेगी, क्योंकि हम सिर्फ मोहब्बत बांटते हैं, हम सिर्फ प्रेम बांटते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कल्चर की जरूरत हर जगह है। शेक्सपियर ने कहा है कि जिस आदमी की किसी भी कला में रुचि ना हो, और मैं केवल संगीत की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कविता लिखिए, कहानी लिखिए, पेंटिंग कीजिए, मूर्ति बनाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन किसी न किसी कला में रुचि अवश्य रखिए। अगर किसी आदमी की किसी भी कला में रुचि नहीं है तो वह आदमी हत्या जैसा जघन्य कार्य भी कर सकता है, यह शेक्सपियर ने कहा है। और अपने आप को अभिव्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम अगर है तो वो संगीत है। आप कुछ पूछना चाहें तो? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था, क्योंकि आपने काफी विस्तार से बताया है कि कल्चरल या कल्चरल एक्टिविटी या सांस्कृतिक गतिविधियों की कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में, और एक आदमी को पूरी तरीके से होलिस्टिक बनाना या ओवरऑल डेवलप्ड पर्सनैलिटी बनाना उनका बड़ा रोल है। जैसे आपने मिसाल दी कि एक जैसे गाने वाला है वो अपने साथ लेके तबले वाला है, हारमोनियम सितार सारंगी को, तो इट्स अ टीम वर्क। तो एक टीम वर्क की और एक हार्मनी पैदा करना और सबको साथ लेना, बेशक को लीडर है लेकिन सबको इकट्ठा करके चलना, ये अपने में एक स्किल है। अब स्किल को जो हम देखते हैं तो एक बड़ा दूसरा पॉइंट मैं आपके सामने रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उस पर भी प्रकाश डालिए कि अभी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिलीज हुई थी 2020, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो हम देखते हैं कि हमारे कल्चर या पे काफी असर डाला है। पुरानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो निकलती रही, जो पहले हमारे 86 में थी या उससे पहले थी 68 में या उसके बाद 92 के अंदर फिर से उसको रिव्यू किया गया, और फिर अभी ये जो 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए तो उसपे एक अलग से विस्तार से एक चैप्टर दिया गया है, और उसपे कल्चर को लेकर उन्होंने कहा कि एक वर्ड लिया है क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, दिस इज टू इनकरेज लॉजिकल डिसीजन मेकिंग एंड इनोवेशन। यहां पर जब आता है तो क्रिएटिविटी और इनोवेशन जब हम लेते हैं तो ये आपने कहा कि जरूरी नहीं है कि हम गाना गाएं या डांस करें, वही कल्चर की एक्टिविटीज है। आप कविताएं लिखिए, निबंध लिखिए, बोलिए, कई स्किल्स हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, ऐसे किस किस तरीके की आप समझते हैं कि हमारी जो कि पर्सनैलिटी को बढ़ाती हैं, इस तरीके की जो क्रिएटिविटी से प्रेरित होती हैं,
इस पे कुछ प्रकार, क्योंकि आप तो स्कूल कॉलेज और विशेषकर यूनिवर्सिटीज में बहुत घूमे हैं, आप एमए के पीएचडी के स्कॉलर्स के भी इम्तिहान लेते हैं, कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, आपको बहुत गहन एक्सपीरियंस है, इस पे कुछ आप रोशनी डालिए प्लीज। हाँ, सौभाग्य से डेविड साहब अभी एनसीईआरटी के साथ मिलकर जी और डॉक्टर सर्वरी बनर्जी जी के साथ हम लोग मिलकर एनसीईआरटी के साथ मिलकर इसी विषय पर हम लोग काम कर रहे हैं जो न्यू कल्चरल पॉलिसी आई है। अच्छा। और हम लोग इस पर बहुत दिनों से हम लोग काम कर रहे हैं और 2-3 साल पहले इस पॉलिसी के आने के पहले हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। हम लोगों ने करीब 3 साल पहले ग्वालियर में केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स वगैरह को बुलाकर उनके साथ हमने वर्कशॉप किया था। अच्छा। और यहाँ समस्याएं क्या होती हैं, हम लोगों ने जो अनुभव किया, मतलब टीचर्स को सिखाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये अब आप सोचिए, सिखाने की जरूरत तो स्टूडेंट्स को पड़ती है ना, टीचर्स को क्यों सिखाने की जरूरत पड़ रही है। हम लोगों ने ये अनुभव किया कि जब टीचर्स एमए पीएचडी कर कर आते हैं तो वो ये भूल चुके होते हैं कि हमने सीखना किस तरह से शुरू किया था, और वो एमए पीएचडी लेवल के जो पढ़ाई होती है उस हिसाब से सीधे बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं, और इससे बच्चों में क्या होता है कि एक अरुचि का भाव आ जाता है। तो हम लोगों ने इस तरह से शुरू किया कि पहले बच्चों को फोक म्यूजिक सिखाएंगे, वो जिस भी एरिया के, तो अपने यहाँ के लोक संगीत से सबसे पहले हम उनको जोड़े और गीत ऐसे बनाए जो रिदम प्रधान हो, जिसमें लय का वैचित्र्य हो, क्योंकि स्वर से ज्यादा लय आकर्षित करता है, स्वर से पहले लय आकर्षित करता है, तो लय प्रधान ऐसे लोक संगीत, फिर उसके बाद हम उनको सुगम संगीत की ओर ले जाएं, और फिर उनको हम शास्त्रीय संगीत की ओर ले जाएं। अभी हम लोगों ने 11वीं और 12वीं के लिए किताबें भी लिखी हैं बच्चों के लिए, उनका कोर्स भी हम लोगों ने मिलकर बनाया है डॉक्टर सर्वरी बनर्जी के नेतृत्व में, एनसीईआरटी की तरफ से हम लोग ये काम कर रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, टीचर्स के लिए हैंडबुक बना रहे हैं हम लोग, और उसमें देश के केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और दूसरे जो स्कूल है, मतलब हम लोग तो हैं ही एक्सपर्ट के रूप में हम तो हैं ही, लेकिन अलग अलग क्षेत्र के, कहीं छत्तीसगढ़, कहीं महाराष्ट्र, कहीं बंगाल, कहीं पंजाब, वहां के हम शिक्षकों को बुलाकर कि उनकी क्या प्रॉब्लम है और उन प्रॉब्लम्स को लेकर उस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग पिछले 3-4 साल से ये काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह उस पे हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और हम लोग बच्चों के स्किल को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमारा अनुभव ये रहा है कि टीचर्स जो हैं अपना स्किल उनके ऊपर थोप देते हैं, वो जो सीख कर आते हैं सीधे बड़ा ख्याल से शुरू कर देते हैं, सीधे छोटा ख्याल से शुरू कर देते हैं, बंदिशें ऐसा बताना शुरू कर देंगे, ए रि आ रि पिया बिन कल ना परत मोहे छरी पर घिन दिन, अब इस तरह की बंदिशें। हम लोगों ने कहा कि बालों पर होगी बंदिशें, जो जिसका अर्थ हम बच्चों को समझा सके, 7वीं 8वीं 9वीं के बच्चों को, जिनके साथ वो अपना तार जोड़ सके, तालमेल बैठा सके, तो इस तरह से हम लोग उस पे काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने ये अनुभव किया है कि सिखाया क्या जाए, कैसे सिखाया जाए। हम लोग बच्चों को कई बार होता है कि हम लोग बताते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। हम बच्चे को बताते हैं कि बेटा हमेशा सच बोलो, कभी झूठ मत बोलो, और जब बच्चा आता है कि पापा लैंडलाइन पे आपके दोस्त का फोन है, तो हम कह देते हैं कि कह दो कि मैं घर पे नहीं। अगले 5 मिनट में हम, मतलब उसको सिखाया क्या हमने और हम कर क्या रहे हैं। अभी जम्मू के कॉलेज के लिए बोलते हुए मैंने कुछ गीतों को बताया था, बच्चे मन के सच्चे सारी जग के आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे जी। उनका कैरेक्टर देखिए, खुद रूठे खुद मन जाए फिर हम जोली बन जाए, झगड़ा जिसके साथ करे अगले ही पल फिर बात करें, इनका भोलापन मिलता है सबको बाह पसारे। तो बच्चों का जो ये कैरेक्टर है, जो उनका ये भोलापन है, जो उनकी ये मासूमियत है, हमारे संगीत के बोझ के तले वो दब न जाए। कलाम साहब ने कहा है ना कि यहाँ सुंदरता को परखा जाता है आदमी के रंग से,
योग्यता को परखा जाता है उसके मार्क्स और डिग्री से, ये नहीं होना चाहिए। यशपाल जी जो हमारे बहुत बड़े शिक्षाविद रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि बच्चों के पीठ पर वस्तुओं का बोझ इतना ज्यादा हो जाता है कि उनका स्किल डेवलप नहीं हो पाता है और बच्चे किताबी कीड़ा बनते जा रहे हैं। ये संगीत में भी हो रहा है, तो उनको एक खुलापन चाहिए और उनको ऐसा चाहिए कि कम चीजें हों लेकिन उनको खुद क्रिएट करने की सुविधा हो। कैसे क्रिएट किया जाता है, हम लोगों ने ऐसे ही सिखाया। डेविड साहब 14 साल का था जब मेरे पिताजी गुजर गए, और 14 साल की उम्र में उन्होंने इतना सिखा दिया था कि आज तक दाल रोटी चल रही है और साथ में सब्जी और पापड़ भी चल जाता है। क्या बात है। आठ वर्ष की उम्र थी जब पंडित बिरजू महाराज के, जब उनके पिताजी मरे, और जब वो मतलब उनका मृत्यु निकट था, अड़ोसी पड़ोसी पूछने आए कि अब इस बच्चे की तालीम का क्या होगा बिरजू महाराज के लिए, तो उन्होंने कहा था कि इतना सिखा दिया है कि इज्जत से खा कमा लेगा। तो हम लोगों को कंपोजिशन नहीं सिखाई गई, बंदिशें नहीं सिखाई गई, बंदिशें बनाई कैसे जाती है, उनको क्रिएट किया कैसे किया जाता है, और ये हम अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमको ये सुविधा मिले इस कल्चरल पॉलिसी में कि हाँ हम इसी तरह काम कर सके, तो हम इसको करने की कोशिश करेंगे और हम कर रहे हैं अपने अपने लेवल पर। नहीं, ये बहुत अच्छी बातें बता दी और काफी हमारे जितने भी दर्शक हैं वो सुन के फायदा भी उठा रहे होंगे। अभी आपने बताया कि आपके पिताजी से आपने काफी सीखा और ये तो आप धन्य हैं कि इस तरीके से आपको इतने बड़े सेलिब्रेटेड सेलिब्रिटी से आपको घर बैठे शिक्षा प्राप्त हुई। और उस दौरान जो है, क्योंकि आपका तो बहुत अनुभव बहुत बड़ा रहा है, करीबन 45 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ कि आप जो है डायरेक्ट इसमें जुड़े हुए हैं और पूरे देश विदेश में जुड़ी हुई तमाम कल्चरल गतिविधियों पे आपकी नजर रहती है, प्रमोट करते हैं, जाते हैं, सिखाते हैं, लिखते हैं। अच्छा, इस दौरान ये जो आप बनारस से हैं, बड़े एक खानदान से, बड़े मशहूर खानदान से, और आपका घूमना उठना बैठ, यानी कौन सा ऐसा बड़ा आर्टिस्ट होगा मेरी नजर में तो कोई पिछले 50 सालों से, जो आप जिससे ना मिले हो या अब वो ना मिले हो, आपने सबको दे, कौन से ऐसे बड़े आर्टिस्ट जो कि मुतासर दिन से हुए हों और जिनसे आप कह सकते हैं कि उनसे वो अच्छी बातें लगी हैं मुझे, और मैं आपको आपके दर्शकों को बताना चाह रहा हूं ताकि एक लुत्फ भी आए और जिससे सीखने को भी मिले। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट या कुछ ऐसे बड़े लोग जिनसे अच्छे आर्टिस्ट और उनसे क्या सीखने को मिल सकता है, कुछ उन अनुभव को भी थोड़ा हमें बताइए प्लीज। डेविड साहब, बहुत छोटा आदमी हूं मैं, और जब जिस भी बड़े कलाकार से मैं मिला, कुछ न कुछ सीखने का समझने का मौका मिला। एक बार दूरदर्शन के एक कार्यक्रम के लिए पंडित रविशंकर से मैं मिलने गया था। जी 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 जी। और रामाश्रय झा जी की डेथ हुई थी और पंडित रविशंकर जी का एक बाइट लेना था, और उस वहां जाने के एक हफ्ते पहले मैंने रविशंकर जी पे किसी का आर्टिकल पढ़ा था कि वो आदमी जब उनसे मिलने गया तो पंडित रविशंकर ने उनसे कहा था कि मैं पिछले 2 मिनट से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। हाय हाय, टाइम का मैनेजमेंट कैसे होता है, बहुत बड़ी बात है। ये भी हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक हिस्सा है, टाइम मैनेजमेंट, इस पे भी प्रकाश डालिएगा साथ में। हाँ, और पंडित रविशंकर जी से जब मैंने ये बात कही और मैं वहां गया, और जो गेट पे एंट्री वगैरह जो होती है, तो मैं थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि दूरदर्शन के साथ जाना था, दूरदर्शन का कैमरा और ये सारे ताम झाम। तो मैंने कहा बाकी सब ये करते रहेंगे, मैं ठीक टाइम पे पंडित रविशंकर के सामने पहुंचूंगा, और मैं पहुंच गया ठीक टाइम पे डॉट। तो मैंने उनसे कहा, मैं हाफ रहा था, तो उन्होंने कहा कि बैठिए बैठिए, आप पहले बैठिए। तो मैंने उनको प्रणाम किया और बैठा, और मैंने कहा मैं टाइम पर आना चाहता था क्योंकि ये मैंने आपका वो सुना था। तो उन्होंने कहा कि जो आदमी समय की कद्र नहीं करता, समय उसकी कद्र नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। और इसी समय के बाद मैं उस्ताद अमजद अली खान के साथ जोड़ना चाहूंगा। कोई भी उनका अगर कार्यक्रम ऐसा है जो उनके कार्यक्रम से शुरू होने वाला है, कोई भी फेस्टिवल अगर ऐसा है कि पहला आइटम उस्ताद अमजद अली खान का है, तो आप घड़ी मिला लीजिए उनके प्रोग्राम से,
ठीक टाइम पे पर्दा उठ जाएगा, चीफ गेस्ट आवे या ना आवे, हॉल में ऑडियंस हो या ना हो, ठीक टाइम से पर्दा उठ जाएगा। ये उस्ताद अमजद अरे वाह वाह वाह, ये बड़ी भारी बात बता दी आपने, बड़ा अच्छा लग रहा है। जी जी हाँ, अब अगर उनका बीच में है या लास्ट आइटम उनका है तो इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि तो पहले जी, के जी, लोगों जी, ने कितना टाइम ले लिया, लेकिन पहला आइटम अगर उस्ताद अमजद टाइम की अप्रिसिएशन वो करते थे, हमेशा करते हैं। इस तरह मैंने किशन महाराज जी को, उनके साथ में काफी रहा हूँ, चाचा कहता था, बनारस के कभी चौरा में हम लोगों का घर बिल्कुल आसपास था। जी जी, तो अपनी बात को कैसे रखनी है, सामने चाहे कितना भी बड़ा आदमी, अच्छा, लेकिन अपनी बात को दावे के साथ, जिसको हम कहते हैं ताल ठोंक के कहना, ये मैंने किशन महाराज में देखा वो तो, और ये मैंने उनसे सीखा। और आकाश की ऊंचाई पर पहुंचकर भी अपने पैर को धरती पर कैसे टिकाया रखा जा सकता है, यह मैंने पंडित शामता प्रसाद उदय महाराज जी से सीखा। एक लुंगी पहन के और कंधे पर एक गमछा डालकर पूरे बनारस घुमाते थे वो, और खुद ठेले की दुकान पर खड़े होकर, ठेले पे खड़े होकर सब्जी का मोल भाव करते थे। अरे नहीं, ये टमाटर तो वो हो गए, मतलब पक गए, इसका दाम थोड़ा कम करो, ये तो गीले हो गए हैं, इस तरह से। तो मतलब बिल्कुल आम आदमी, बिल्कुल 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 आदमी तरीके से। तो इन सारी चीजों को मैंने देख देख कर और अपने व्यक्तित्व में डालने की कोशिश की है, और अपने व्यक्तित्व का विकास इन सारी चीजों को रख कर मैंने किया है। तो ये कुछ कलाकार हैं जिनका मेरे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा है और जिन्हें मैंने बहुत नजदीक से देखा। मिलना जुलना तो बहुत सारे लोगों से रहा है। पंडित भजन सोपोरी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और किस तरह से क्रिएट किया जाता है किसी चीज को, उन्होंने देशभक्ति के कई गानों को बिल्कुल नए अंदाज में जी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये सब डीडी भारती वगैरह पे काफी आता है, और बड़ा अच्छा नई तरीके से उन्होंने कंटेम्परेरी स्टाइल में लेके कराया। और मैं बताऊं कि पिछले दिनों वो बहुत बीमार थे, लेकिन उस बीमारी के दौरान भी मैं, मतलब ऐसे बोल रहा हूं मैं ऑन एयर, कि बहुत बीमार थे, लेकिन उस के दौरान भी उन्होंने एक एक घंटे के चार प्रोग्राम किए हैं, और सारे प्रोग्राम ऐसे कि लोग दांतों तले उंगली दबा ले। अभी तानसेन समारोह में वो बजा कर आए हैं, उनको देखने से, फोटो देखने से पता लगता है कि वो कितने बीमार हैं। कम से कम 20 किलो उनका वजन लूज हुआ है। अरे, और हाँ, और ये इन सब के बावजूद ऐसा उन्होंने बजाया है कि तालियां नहीं रुक रही थी। तो ये जो विल पावर है कि हम जब बजाने बैठेंगे और बोले कि यार ऐसे अवार्ड लेने का क्या मतलब है, अगर हम तानसेन सम्मान लेने जा रहे हैं। आप जो डिस्कस कर रहे हैं, पहले टाइम मैनेजमेंट, अब विल पावर, ये सारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिस्से, यानी इच्छा शक्ति एंड कॉन्फिडेंस एंड एतमाद, ये एक पार्ट जो बता रहे हैं, यही है हमारा संदर्भ जो आज के पूरे डिस्कशन का है। बताइए प्लीज। बस मैं कोशिश कर रहा हूँ, और इन लोगों से मैंने देख देख के, मतलब दोस्ती यारी रही है, बहस भी रही है, सारी चीजें हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद मतलब चीजों को कैसे निभाया जाता है। एक नाम और लूंगा मैं, पंडित सुरेश तलवलकर जी का। जी, जी जी, बहुत बड़े तबला वादक हैं, बहुत बड़े तबला वादक हैं। मैं उनको भाई साहब कहता हूँ, तो बहुत इज्जत करता हूँ, मैं उनका फैन हूँ। अच्छा, कोल्हापुर में एक संगीत समारोह चल रहा था, और बनारस घराने पर होता, उसमें एक्सपर्ट के रूप में किशन महाराज जी के बेटे पूरन महाराज थे, डॉक्टर अरविंद आजाद थे, और मैं भी था, और इंटरव्यू लेने वाले सुरेश तलवलकर जी थे और पंडित सुधीर माइंडकर, दोनों विद्वान। और कोई बात हुई और मैंने सुरेश जी से असहमति व्यक्त कर दी। मैंने कहा कि सुरेश भैया, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन संगीत नाटक एकेडमी का ये प्रोग्राम हो रहा है, आर्काइवल वैल्यू का प्रोग्राम है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, यहाँ अगर मैं असहमति नहीं व्यक्त करूंगा तो लोग इसे ही सही मान लेंगे, इसलिए मैं आपसे असहमत होना चाहता हूँ। और उन्होंने मान लिया कि हाँ ठीक है। और कार्यक्रम के बाद जब हम मिले और मैंने उनसे कहा कि आप नाराज तो नहीं है, तो एकदम उन्होंने खींच के मुझे गले लगा लिया, बोले विजय भाई, आप मुझे इतना छोटा आदमी समझते हैं क्या? वहां तो हम लोग ओपन डिस्कशन कर रहे थे,
मैं इतना छोटा आदमी नहीं हूँ कि आपके ना कह देने से मैं नाराज हो जाऊंगा। क्या बात है। तो ये जो प्यार है ना, इसी तरह एक नाम और लेना चाहूंगा, आप मुझे टाइम दे रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आप तो खूब बताते रहिए, इससे ही मजा आ रहा है। जी जी जी, पखावज के बहुत बड़े कलाकार थे स्वामी रामशंकर पागलदास। जी जी जी, अयोध्या का एक घराना उन्होंने बनाया, अवधी घराना। उनसे मेरी बहुत असहमति चलती थी, कई मुद्दों पर मैं उनसे असहमत होता था। दिल्ली कथक केंद्र में उनका वर्कशॉप था, उस समय कथक केंद्र मंडी हाउस में हुआ करता था। दिल्ली कथक केंद्र में उनका एक वर्कशॉप था और हमारी उनकी खूब जोरदार बहसें हुई। लोगों को ऐसा लगा कि बस अब तो लड़ाई हो ही गई, खूब जोरदार बहस हुई। और शाम को बंगाली मार्केट के हनुमान मंदिर में हम दोनों साथ घूम रहे हैं और बंगाली मार्केट में खड़े होकर बंगाली स्वीट्स में एक साथ मिठाई खा रहे हैं। तो मतभेद होना अलग चीज है, मन भेद होना अलग चीज है। बिल्कुल, मतांतर है और मनांतर। बिल्कुल, दिल से हम अलग नहीं है। आप हमसे असहमत हो सकते हैं, हम आपसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपके दुश्मन हो गए और आप हमारे दुश्मन हो गए। वो वैचारिक भिन्नता है, वो रहनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। इस तरह की कुछ चीजें हैं मैंने आपके साथ शेयर की, और आप बताएं। हाँ, मैंने तो आपको काफी करीब से देखा है, और एक बात मैंने बड़ी नोट करी थी कि पंडित बिरजू महाराज साहब के साथ आपके बड़े अच्छे रिश्ते रहे बहुत समानों से, और उनके साथ भी मिलना उठना बैठना, और ऐसा इंसान जिसकी सादगी क्रिएटिविटी जिसे कह सकते हैं, तो सही परिभाषा उन्हीं से मिल सकती है कि कैसे क्रिएट करते थे बैठे बैठे चीजें, दिमाग चलता जा रहा है, आंखें इधर मटक रही हैं, वो देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, और क्या क्या इमेजरी उनके दिमाग में आ रही है, नई नई क्रिएशन पैदा हो रही है, और किस तरीके से अपने शिष्य शिष्याओं को कैसे कैसे, क्या इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, और उनके साथ आपका रहने का, मुझे पता है कि आप काफी रहे, उनके बारे में भी बताइए, और उनसे हम क्या सीख सकते हैं उनकी पर्सनालिटी से, क्रिएटिविटी में खासकर। सार्वजनिक रूप से पहली बार कह रहा हूं कि वो मेरे जीजा जी भी थे। अच्छा, मेरी चचेरी, हाँ, मेरी चचेरी बहन की शादी उनके साथ हुई है। अच्छा। और चचेरी बहन का मतलब है कि ज्वाइंट फैमिली का जमाना था जब ये शादी हुई थी, तो हाँ, तब न्यूक्लियर फैमिली नहीं हुई हुआ करती थी। जी जी जी। तो और मैं जिस परिवार में हूँ उसमें बताऊं कि बिरजू महाराज जी के जो ससुर जी थे, मेरे चाचा जी, उनको हम लोग पिताजी कहते थे, और अपने फादर को बाबू कहते थे। तो जब मैं स्कूल में गया एडमिशन के लिए, तो उसमें फॉर्म पे लिखा था पिता का नाम, तो मेरे पिता का नाम, तो पिताजी तो वही थे मेरे चाचा जी, तो मैंने उनका नाम लिख दिया पिता के नाम की जगह। अरे, मतलब हमको ये पता है। हाँ, और ये टेंथ गजब की बात बता रहा। हाँ, तो वो जमाना था। और बिरजू महाराज से जो मैंने एक तो बात कही शामता प्रसाद जी के लिए कि आकाश में रहकर भी जमीन पर पैर कैसे टिकाए रहा जा सकता है, एक तो वो बात थी पंडित बिरजू महाराज में। दूसरी बात थी कि कठिन से कठिन चीज को आसान से आसान तरीके से कैसे बता दिया जाए। अब उनकी एक तिहाई है बच्चों के लिए, सब्जी पूड़ी और कचौड़ी, हलवा ला दे, हलवा ला दे, हलवा ला दे, दे, ये 3 ताल की तिहाई है। 3 बार आप बोलिए, 3 ताल की तिहाई बंद करा जाएगी। अब बच्चे तो इसको बड़े खुश होकर याद कर लेते हैं, लेकिन इसमें जो लयकारियां जाती हैं या गिनती की तिहाइयां जो उनकी है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, चार तीन दो एक, यानी खेल खेल में लर्निंग विद फन जिसे कहते हैं, लर्निंग विद फन। तो ये एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी हिस्सा है, तो कमाल बात है, ये आसान कर देना दार्शनिक जी। अब इसके दार्शनिक अभिव्यक्ति देखिए, हम जब ऊंचाई पर चढ़ते हैं, तो हम जब भी तरक्की के रास्ते पर जाते हैं तो उसमें बहुत समय लगता है। आज जिस मुकाम पर आज आप हैं, आज जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूं, 60 साल से ज्यादा की समय लग गया ना। लेकिन जब आदमी का पतन शुरू होता है और जब नीचे आना शुरू होता है, तो बहुत जल्दी आ जाता है। तो 8 तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, एक एक दो तीन चार पांच
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना सीढ़ियां चढ़कर गया है और नीचे आया तो 8 7 6 5 4 3 2 1 धड़ाम से नीचे आ गया। वंडरफुल। तो इस तरह की चीजें मैंने रेडियो के लिए उनसे बातचीत करते हुए पूछा था कि महाराज जी आप दिखाते हैं एक चुस्त दोस्त एक सुस्त दोस्त और उसमें लय की जो बारीकियां, लोग तालियां बजाते हैं मजे लेते हैं और हम लोग उसमें जो लय का प्रयोग होता है उसमें उलझ के रह जाते हैं। कितनी कठिन लयकारियां आप उसके माध्यम से बताते थे। उनकी पूरी जिंदगी सरकारी नौकरी करते हुए बीती। वो 9-10 साल की उम्र से नौकरी में आ गए थे। दिल्ली में संगीत भारती में सिखाया, फिर भारतीय कला केंद्र में सिखाया, फिर कथक केंद्र में सिखाया। वहां से रिटायर होने के बाद कला आश्रम शुरू किया और फिर कला आश्रम के लिए जमीन लेने के लिए फंड लेने के लिए वो किया। उन सबको लेकर उन्होंने कार्यक्रम तैयार किए, फाइल एडिटिंग। अब एडिटिंग जो उनका वो था कोरियोग्राफी, वो कैसेट के जमाने पर थी। एक कैसेट में आपने गाना लगा दिया, आराम से सुरीला गाना बजता जा रहा है। फिर आपका मन हुआ कि नहीं, एक गाने को छोड़कर दो गाने को छोड़कर हम तीसरा गाना सुनेंगे। उसको आपने फास्ट फॉरवर्ड किया। अब वो जब वो तेजी से जाता है तो डांस करने वाली लड़कियां उन्हीं मुद्राओं को कितना तेजी से करती हैं। फिर आप आगे की तरफ चल गए, फिर आपने रिवर्स किया कैसेट को, वही मुद्राएं जो करके वो आगे गई थी उन्हीं मुद्राओं को उल्टा करते हुए पीछे आना। वाह, ये बहुत कठिन काम, बहुत बड़ी बात और है। लोग तो तालियां, इट इज द मतलब एक्सलेंट एग्जांपल ऑफ क्रिएटिविटी जिसे कह सकते हैं, सृजनात्मकता जो है उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। कि और महाराज जी जैसा ही शख्स उसको कर सकता है कि कितनी बड़ी चीज मुश्किल से मुश्किल को आसान बनाए और जब उल्टा घूम कर आते हैं आपने कहा तेजी से चक्र वगैरह देना। वो इतनी बड़ी पर्सनालिटी, इतनी अजीम शख्सियत, बहुत उनको तो हमारे हजार सलाम, बहुत बहुत। अच्छा पंडित जी, ये बताइए कि हमारा विषय जिस तरीके से चल रहा है और आखिरी के मरहले पे हम पहुंच रहे हैं, तो उस पे जो ये सारा सिस्टम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देख लिया कि क्रिएटिविटी होनी चाहिए, नई नई बातें सीखनी चाहिए, पुरानी दखियानूसी जो बातें हैं उनको छोड़ के नए, अब नए उस पे इश्यूज आए हैं कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं चाहे वो कॉलेज के हो यूनिवर्सिटीज के, तो वो अपनी जगहों से दूसरी जगहों पे भी जाके सीखें। और जैसे मान लीजिए एक स्कूल या कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का ट्रिप है, वो अगर दिल्ली में है तो वो नागालैंड में जाए या केरला जाए और उधर के यानी एक्सचेंज प्रोग्राम हो, उससे आदमी जो है वो सीखता है एक दूसरे की लैंग्वेजेस, एक दूसरे के पहनावे, एक दूसरे की चाल ढाल, एक दूसरे को अप्रिशिएट करता है और दैट ब्रिंग्स हार्मनी एंड दैट ब्रिंग्स द कल्टिवेशन द सॉइल ऑफ योर पर्सनैलिटी, आपका भूमि रूपी जो व्यक्तित्व है उसको बढ़ाता है। लेकिन चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द कोरोना टाइम्स, द COVID-19 दैट हैज गिवन अस अ बिग सेटबैक, पर्टिकुलरली जो हमारा अभी जो करीबन 2.5 साल निकला है वो इतना ज्यादा क्रूअल गया है। और आपने अभी ऑलरेडी ही मिसाल भी दी थी कि किस तरीके से आर्टिस्ट पंगे हो गए हैं एक तरीके के, जो हमारे खासकर जो एकॉम्पनिस्ट होते थे, कोई मजीरा बजाने वाला, कोई हारमोनियम बजाने वाला, सारंगी बजाने वाला, तबले बजाने वाला, उन कहां से कहां, यानी बिल्कुल जमीन पे भी नहीं उनको जगह मिल रही है। कोई कहना तो नहीं चाहिए, कोई मैंने तो ये सुना कि कोई फल बेच रहा है, कोई रेड़ी लगा रहा है, कोई छोटे छोटे काम कर रहा है, बड़ी दयनीय है। इस पे भी प्रकाश डालिए और कोई सजेस्ट कीजिए कि इस प्रेजेंट टाइम में कैसे उभर सकते हैं इससे। जी देखिए, एजुकेशन पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें एक और अच्छी कल्चरल पॉलिसी, मैं बात कर रहा हूं जब, तो मैं सीधे एक स्कूल के हेडमास्टर से लेकर अपने कल्चरल मिनिस्टर तक को मैं संबोधित कर रहा हूं कि हमें एक अलग कल्चरल पॉलिसी चाहिए। अब आप देखिए कि देश में चाहे जो भी चीजें चल रही हैं, चाइना के साथ हमारा तनाव चल रहा है, पाकिस्तान के साथ हमारा तनाव चल रहा है, वो सारी चीजें अपनी जगह है। रेडियो और दूरदर्शन के नेशनल प्रोग्राम को बंद कर देने का क्या कारण है?
नई रिकॉर्डिंग्स को रोक देने का क्या कारण है? और एक आदमी, एक बड़ा आदमी, हम कहते हैं कि कदम, कसम, कलम और वचन, इनका प्रयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए। एक बड़ा आदमी एक बयान देता है, एक नियम बनाता है कि स्कूलों में एक्टिविटीज फीस नहीं लिया जाएगा। उनका संकेत होता है एक्टिविटीज फीस का मतलब गेम्स, कि वहां टेनिस अब नहीं खिलाया जा सकता है, या वॉलीबॉल नहीं खिलाया जा सकता, या फुटबॉल नहीं खिलाया जा सकता, तो अब कोरोना काल में जब बंद हुआ था। लेकिन एक्टिविटीज में म्यूजिक और डांस भी आती है, और एक बयान उधर से आता है और एक झटके में सैकड़ों टीचर बेरोजगार हो जाते, जबकि ऑनलाइन क्लासेज म्यूजिक की चल सकती थी और चल भी रही है, हम जैसे लोग ले भी रहे हैं। समझे ना, रेडियो स्टेशन में मैं देख रहा हूँ कि वैकेंसी नहीं। हम लोग जब रेडियो में रिकॉर्डिंग के लिए जाते हैं तो रिकॉर्डिस्ट को हायर करके बुलाया जाता है। जरूर स्टाफ हमारे यहाँ गलतियां करते हैं, और हमारे यहाँ, आप भी सरकारी नौकरी में रहे हैं, तो हमारे यहाँ एक ये माना जाता है कि अब तो हम सरकारी नौकर हो गए, सरकारी नौकरी में आ गए, तो हम सरकार के दामाद बन गए, अब हमको कोई निकाल नहीं सकता जी, हम परमानेंट हो गए, हम चाहे जो करें। ये हुआ है सरकार, ये सरकारी नौकरी में ये होता रहा है, ये हम लोगों का अनुभव रहा है। लेकिन अब उसका दुष्परिणाम जो हमको देखने को मिल रहा है कि अब सारे चीजें तो हो रहे, इलेक्शन के लिए रैलियां भी तो हो ही रही है ना, वहां कुंभ का मेला भी तो हो ही रहा है ना, सारी चीजें हो रही हैं, तो क्या बात है, आम ऑडिटोरियम में प्रोग्राम क्यों नहीं हो सकते हैं? 50% हम उपस्थिति रख लेते हैं, बिल्कुल है। तो, लेकिन सरकार मतलब हर चीज को, सिनेमा हॉल भी खुल गया, मॉल भी खुल गए, ऑडिटोरियम नहीं खुले। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, और बड़े बड़े कलाकारों को इस समय मतलब बहुत मतलब रोना आता है। पंडित राजन जी तब जिंदा थे, उन्होंने कहा था कि हम तो अपना FD तोड़वा के घर चला रहे हैं जी। मैंने तो मैंने कहा भैया मेरे पास तो पढ़ा था मैंने, हाँ तो मैंने कहा भैया मेरे पास तो FD भी नहीं है, मैं क्या करूं। अब आप सोचिए हम जैसे लोगों का, और हम उनमें भी नहीं है, हमारे पास और तो कुछ भी नहीं होता डेबिट साहब, सम्मान और आत्मसम्मान के अलावा। तो हम तो राशन की लाइन में भी फ्री राशन लेने के लिए, हमको तो फ्री राशन भी नहीं मिला, और जहां फ्री में खाना बंट रहा था हम तो जाके वहां फ्री खाना भी नहीं खाए, हमने जाके रैन बसेरों में रातें भी नहीं गुजारी। हम अपने मकान मालिक से कैसे लड़ के समझा के कि भैया किराया हम जब पैसे आएंगे तो दे देंगे, हम कैसे गुजारा कर रहे हैं, कोई ये तो सोचे। अब संस्कार भारती ने हमारे कुछ बयान आए, कुछ लोगों के बयान आए, तो संस्कार भारती ने कुछ पैसे दिए। अब अगर 2 साल 2.5 साल के बाद आपने किसी को 2,000 रुपए दे दिए, ठीक है, आपने दिए, लाखों लोगों को अगर आपने 2,000 रुपए दिए तो कई लाख रुपए हो गए। लेकिन 2 साल में अगर किसी को 2,000 रुपए मिले तो उससे उसका क्या फायदा होगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ कलाकारों ने कदम बढ़ाया, अनुराधा पाल ने कुछ लोगों को, राजस्थान के कुछ लोगों को राशन दिए, संस्कार भारती ने कुछ लोगों को दिया, प्राचीन कला केंद्र ने कुछ लोगों के प्रोग्राम करवाए और उस प्रोग्राम के उस पर पैसे दिए, कथक केंद्र ने कुछ लोगों का करवाए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मारा गया मिडिल क्लास आदमी, मिडिल क्लास म्यूजिशियन, बिल्कुल वो मर रहा है, और उसके लिए एक अलग ढंग से सोचने की जरूरत है। किसानों के खाते में पैसे गए ना, महिलाओं के खाते में पैसे गए ना, सड़क पर रेहड़ी लगाने वालों को सुविधाएं मिली ना, मजदूरों को मिले ना, कलाकारों ने क्या गुनाह किया है, आपका क्या बिगाड़ा है? जबकि जब आप विदेश में जाते हैं तो इन्हीं म्यूजिशियन को लेकर जाते हैं जो आपकी शान बढ़ाते, जब भी कोई विदेशी राजनेता आता है इन्हीं म्यूजिशियंस को बुलाया जाता है 7 रेस कोर्स पर या राष्ट्रपति भवन में आपके शान बढ़ाने के लिए, और एक समय उन्हीं म्यूजिशियंस को आप इतना सम्मानित करते हैं,
वे दिखाते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री के पास साथ फोटो है, हमारा राष्ट्रपति के साथ फोटो है, हमारा अमुक मिनिस्टर के साथ फोटो है, और एक समय वही म्यूजिशियन भूखो मरने के कगार पर आता है। तो ये सोचना पड़ेगा डेविड साहब जी, इसको राजनीति से, क्योंकि हम म्यूजिशियन जो है वोट बैंक बैंक नहीं है किसी के, तो हम चूंकि किसी के वोट बैंक नहीं है इसलिए हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। जो अनधिकृत कॉलोनियां हैं उन पर भी ध्यान दिया जाता है क्योंकि वोट बैंक है वो, जो लोग अलग सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं उन पर भी ध्यान दिया जाता है क्योंकि वो वोट बैंक है, हम वोट बैंक नहीं है, हम बिखरे हुए हैं इसलिए हमारी तरफ कोई नहीं ध्यान देता। ये मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि एक बार इस तरफ भी आप देखिए। भाई हम तो ये मानते हैं कि कमल जब आया तो कमल तो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, और कमल के रहते हुए अगर संगीतकार मुरझा जाए तो ये मैं इसको सही नहीं मानता। इसलिए जो लोग कमल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जो लोग कमल की बात करते हैं, उनको इस संस्कृति की भी बात करनी चाहिए। गुलाब होता तो हम छोड़ देते कि चलो भैया गुलाब के साथ तो कांटे होते हैं, हम मान लेते हैं, लेकिन कमल से तो हम अपनी शिकायत करेंगे ही करेंगे, उनको हमारी बात सुननी पड़ेगी। जी 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 जी, चलिए इस जमाने में कम से कम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अच्छी बातें आई हैं और कुछ राह दिखाई है और उस पर इम्प्लीमेंट भी हो रहा है और होगा तो बहुत अच्छा होगा, तो ये बड़ा अच्छा है। और जाते जाते मैं आपसे पंडित जी ये चाहूंगा कि कोई संदेश आप देना चाहेंगे कि व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए हमारा कल्चरल एक्टिविटीज का जो रोल है उसको, और क्या आप आखिर में जाते जाते कुछ संदेश देना चाहेंगे जो हमारे जिससे नाजरीन जो है उनको फायदा हो। नहीं डेविड साहब, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि मैं इस तरह की कोई बात कहूं। एक बात बस मैं ये कहना चाहता हूं अपने भाइयों से, म्यूजिशियंस लोगों से जो कला से जुड़े हुए लोग हैं, कि भगवान ने अगर मुंह दिया है, पेट दिया है, तो भोजन भी देगा, और अपनी कला के लिए, अपनी संस्कृति के लिए समर्पित रहिए। आपने मेरे परिवार की जो शुरू में बड़ाई की, तो हम लोग उस परिवार से हैं डेविड साहब जिसमें कहा जाता था कि अरे डेविड मुझे तो 100 गते याद हैं, तुम्हें कितनी याद हैं? तो आपने मुझसे कहा कि अरे मिश्रा तुम्हें तो 100 गते याद हैं, मुझे 100 गतों के साथ 20 फर्द भी याद है। तो मैं मानता था कि नहीं नहीं आप तो हमसे ज्यादा अमीर हो। तो हम लोग उस कल्चरल उसमें जीने वाले लोग हैं। मैं लोगों से कहता हूं कि आप पैसे के लिए भाग रहे हैं, आपके अलमारी में करोड़ों रुपया दम तोड़ रहे हैं, सिसकियां ले रही हैं, आपकी किताबों में जो बंदिशें हैं वे बंदिशें हैं जिनमें एक एक बंदिशों पर नौलखा हार राजा उतार के दे दिया करते थे, वो बंदिशें आपके यहाँ दम तोड़ रही हैं, आप उनकी ओर देख नहीं रहे हैं। तो हम भले ही हमारे पास मोटर नहीं है, हमारे पास बंगले नहीं है, हमारे पास लाखों का बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन हमारे पास करोड़ों की कला रूपी दौलत है और हम उसमें खुश हैं, इसलिए हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। और मैं अपने म्यूजिशियन भाइयों से भी कहूंगा कि वो निराश न हो, हताश न हो, परेशान न हो, जो है उसको लेकर वो आगे बढ़े। और एक बात यह कि संगीतकार कभी भूखा नहीं मरता, ये तो वो चाहे फल बेच रहे हो, चाहे दुकानें कर रहे हो, लेकिन संगीतकार कभी भूखा नहीं मरता, वो कभी डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं होता, वो कभी हताश निराश होकर सुसाइड नहीं करता, वो हर संघर्ष में भी जिंदा रहता है, जीता रहता है, मुस्कुराता रहता है। तो बस इस पर विश्वास करें, भगवान पर भरोसा करें, अपनी कला पर भरोसा करें, और उनके लिए सब कुछ अच्छा हो। वेरी गुड। So on this happy note and with a very delightful, good, loving message from Pandit Vishwanathan Mishra ji से जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपने बहुत अच्छी बातें कही पंडित जी, और रोल ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज एंड प्रमोशन ऑफ होलिस्टिक पर्सनैलिटी जो आज का हमारा टॉपिक था उस पर खुल के चर्चा करी, दिल से बात करी। और मैं नहीं समझता, क्योंकि मैं आपको फॉलो करता हूँ, कि इतना अच्छा दिल से कभी आप बोले हो जितना बोलते आने पे। बोलते आने के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? बोलते आने का क्रेडिट गोज टू यू, क्रेडिट गोज टू यू। जी 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 जी, तो थैंक यू वेरी मच, आपने शोभा बढ़ाई हमारे प्रोग्राम की,
और अंत में तो यही है कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले, और अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। बोलते आईने, बोलते आईने।